सर गुड मॉर्निंग लर्नर्स सर टूडे वी आर गोइंग फॉर कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम चलिए पिछले लेक्चर में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करी थी और एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे शेयर किया था आज हम कंसेप्ट की बात करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में अब थोड़ा सा आप टफ होने वाला है आगसा आगसा, लेकिन आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे तो पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसके लिए सेक्शन फिफ्टी ऑफ कंपनीज एक्ट टू थर्टीन अप्लाई होता है अच्छा अब सबसे पहले क्वेश्चन रही होता है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्या चीज़ है थोड़ी थोड़ी डिस्कशन हमने पहले करी थी आज हम इसकी डिस्कशन डिटेल में करेंगे जिससे कि आपको लगे कि अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम तो बहुत ही सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है अब देखिए आपके पास आपने रिलायंस के बारे में सुना होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आर आई एल ठीक है मान लीजिए कि आर आई एल अपने आप में क्या है एक ब्रांड है ये तो आप मानते ही होंगे अच्छा ब्रांड है मान लीजिए कि रिलायंस एक इशू लेके आया जिसमें उसने कहा कि मैं एक शेयर दस रुपए में सेल करूँगा फोर रुपीज टेन रुपीज़ टेन और सपोज करते हैं कि एक और वाई लिमिटेड है और वाई लिमिटेड भी उसी टाइम में एक शेयर लेके आई इशू लेके आई जिसने भी अपने शेयर का प्राइस टेन रुपीज़ रखा तभी हमने आपसे कल डिस्कस किया था जो पिछला लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि प्राइसिंग के ऊपर हमारी अकाउंटिंग ज्यादा डिपेंड करती है अच्छा ये जो टेन रुपीज़ है टेन रुपीज का मतलब क्या होता है यहाँ पे फेस वैल्यू ओके तो यहां पे भी हमारे पास टेन रुपीज क्या है इसका फेस वैल्यू रखा है उसने एक इशू लेके आई अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इन दो में से इन दो में से किस कंपनी का शेयर खरीदोगे भाई आप तो बोलोगे जी कि जी मैं हम तो रिलायंस का ही खरीदेंगे भाई रिलायंस का क्यों खरीदेंगे कि जी वाई को तो हम जानते भी नहीं है वाई की वर्किंग तो हम जानते भी नहीं है कि वाई कौन है रिलायंस को हम जानते हैं और रिलायंस अपने आप में एक ब्रांड है जो जिसको हमने पिछले लेक्चर में आपको गुडविल से पुकारा था अच्छा अब अगर ब्रांड है ये और आपने कह दिया कि मैं तो रिलायंस खरीदूंगा वाई नहीं खरीदूंगा ठीक है अब सपोज करते हैं कि रिलायंस ने ये कहा कि मैं इस शेयर को दस में नहीं बेचूंगी मैं तो भाई पंद्रह रुपए में बेचूंगी क्या आप खरीदोगे कंपनी कहती है कि मैं इसको फिफ्टीन रुपीज में बेचूंगी एक शेयर को टेन रुपीज पे नहीं बेचूंगी फिफ्टीन पे बेचूंगी अब भी आप खरीदोगे तो आप क्या बोलोगे कि जी देखो पांच रुपए के बदले में मुझे क्या क्या मिल रहा है वो कहेगा कि जी कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी है अगर कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी है तो मुझे डिविडेंड बहुत अच्छे मिल रहे हैं ठीक है और साथ में जो शेयर की एप्रिशिएशन है यानी कि शेयर की वैल्यू वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है अगर आपको तीनों बातें एक शेयर में नजर आ रही होंगी तो मुझे लगता है कि उस शेयर उस कंपनी के शेयर के लिए तो लोग टूट पड़ेंगे अब आपने कैलकुलेशन करी कि जी पांच रुपए के बदले मुझे ये चीजें मिल रही हैं जो कि इसके पास नहीं है अगर इसके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं इत, अर्निंग भी होगी कंपनी की तो मुझे डिविडेंड मिलेगा डिविडेंड मिलेगा तो मेरी कमाई भी खूब होगी अगर कमाई है तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी और साथ साथ में जो सबसे बड़ा है वो है सेफ्टी रिस्क जिसको बोलते हैं इसमें सेफ्टी भी है अगर सेफ्टी है तो पांच रुपए के बदले में आपको बहुत ज्यादा अमाउंट मिलेगा तो फिर भी आप क्या बोलोगे अब रिलायंस ने क्या बोला कि मैं टेन का नहीं मैं तो फिफ्टीन में बेचूंगा तो अब आप बताइए कि आप उस कंपनी के शेयर को खरीदेंगे आप बोलेंगे यस हम फिफ्टीन में भी खरीदेंगे तो क्या हो गया जी टेन प्लस फाइव इज इक्वल टू तो फिफ्टीन तो फेस वैल्यू कितना रह गया टेन रुपीज पांच रुपए आपसे क्या लिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आपके पास इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या बोलते हैं इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम दिस इज नोन एज प्रीमियम तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये क्या होता है अच्छा आपसे मैं ये बात कर देता हूं कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट है कंपनी फ्री होती है कि आप जितना मर्जी इसका प्राइस बढ़ा सकती है अपनी शेयर की प्राइसिंग कर सकती है बिल्कुल सही बात है कंपनी फ्री होती है वो अपने शेयर को जितना मर्जी चाहे एक्स्ट्रा यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेच सकती है लेकिन मैं ज्यादा नहीं मैं थ्योरेटिकली थोड़ी सी बात कर देता हूं कि इसमें के लिए भी कुछ एक कंपनी को कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है दैट इज थियोटिकल न्यूमेरिकल उसमें है। जब कोई पुरानी कंपनी व्हेन देर इज एन ओल्ड कंपनी देन वट वी विल सी द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब है कि पिछले तीन सालों में उसका जो प्रॉफिट कमाने की स्पीड जो है वो क्या है कंसिस्टेंट है दैट इज कंसिस्टेंट अगर ऐसा है तो कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम के ऊपर इशू कर सकती है अच्छा अगर सपोज कीजिए एक न्यू कंपनी है तो देखिए न्यू कंपनी में तो वैसे भी क्या है कि वो प्रीमियम पर नहीं बेच सकती लेकिन फिर भी अगर उस नई कंपनी के पीछे कोई दूसरी कंपनी है जिसने उस कंपनी को स्टार्ट करवाया है तो हम जिस कंपनी ने स्टार्ट करवाया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे इसका ट्रैक रिकॉर्ड कितने साल का देखेंगे जी तीन साल का थ्री ईयर्स और इसका ट्रैक रिकॉर्ड हम किसका देखेंगे फाइव ईयर्स का अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिट का है इसका भी रिकॉर्ड प्रॉफिट का है तो कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकती है तो इसका मतलब रिलायंस कर सकती है लेकिन वाई लिमिटेड केस में क्या होगा या अगर ये न्यू कंपनी है तो न्यू कंपनी के लिए हमें ये वाली कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी तभी जा करके कंपनी कंपनी जो है अपने शेयर को प्रीमियम के ऊपर इशू कर सकती है तो इसके लिए अगर आप चाहें तो थ्योरिटिकली भी देख सकते हैं मैंने तो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया अच्छा अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन अराइज होता है जो कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या हो गया जी फेस वैल्यू प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज चार्ज बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ द शेयर एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज प्रीमियम सिंपल लैंग्वेज अच्छा अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कंपनी जो है अपने इशू को डिस्काउंट पे ला सकती है मान लीजिए वाई लिमिटेड है इसके शेयर को कोई नहीं खरीद रहा है अब वो चाह रहा है कि मैं कंपीट करूं रिलायंस के साथ अब उसके शेयर को कोई नहीं देख रहा है तो वो क्या कर रहा है कि कहता मैं दस का नहीं मैं दस का आठ रुपए में बेच देता हूं सात रुपए में बेच देता हूं डिस्काउंट पे बेच देता हूं तो क्या ये कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर बेच सकती है सिंपल आंसर जो पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि नो शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट और यहां कौन बताता है जी आपको सेक्शन फिफ्टी थ्री लेकिन इसके लिए दो एक्ट बताई थी हमने इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन की यसओ और दूसरा था हमारा स्वीट इक्विटी शेयर्स जो हमने पीछे वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ओके okay. तो अब हम क्या करते हैं कि इसको एक नमेरिकल के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो चलिए अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वो क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस करते हैं धोटा लिमिटेड चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ Dhota Limited issued 25000 shares of Rs. 10 each at a premium of Rs. 2 per share payable as follows on application rupees 2 on allotment rupees 5 including premium on first call rupees 4 on final call rupees 1 public applied for 32000 shares and allotment was made to applicants for 30000 shares on pro rata basis Remaining applications were rejected. Money dues on various calls were received, except Mr. Kamal, to whom 2400 shares were allotted, failed to pay allotment and first call money. Subsequently, his shares were forfeited. Thereafter, final call was made, and Mr. Bimal, to whom 1200 shares were allotted, failed to pay final calls money. His shares was, are also forfeited. These shares were reissued at rupees 8 as fully paid up. So make entries. Okay. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं देखिए जी यहां पे धोटा लिमिटेड ने धोटा लिमिटेड क्या है जी नेम ऑफ द कंपनी नेम ऑफ कंपनी ओके तो चलिए पहले हम वर्किंग नोट से चलते हैं सो वर्किंग नोट नंबर वन तो वर्किंग नोट नंबर में अप्लाइड अलॉटेड और साथ में रिजेक्शन कर देते हैं तो सबसे पहले कितने लोगों ने अप्लाई किया थर्टी टू थाउजेंड किस रेट के ऊपर जो है वो उसने एप्लीकेशन मनी भेजी एप्लीकेशन हम एट द रेट ऑफ रुपीज टू तो ये हो गया जी हमारा फोर थाउजेंड सॉरी यहां पे लिखता हूँ अच्छा अलॉटेड कितने को होगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट द रेट ऑफ रिजेक्शन okay. हमारे पास बाद में आ जाएगा अब सपोज करते हैं कि दो कैटेगरीज हैं अगर आपने न्यूमेरिकल को पढ़ें तो एक कैटेगरी है प्रो रेटा जिसमें उसने क्या कह कहा कि जो थर्टी थाउजेंड शेयर होल्डर्स हैं उनको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के अलॉटमेंट कर दी ओके okay. तो ये लॉजी थर्टी थाउजेंड को हमने अलॉटमेंट जिन्होंने थर्टी थाउजेंड शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको कितने दे दिया हमने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है इसका मतलब जो रेशियो की बात थी वो थी सिक्सू फाइव होगी जी रेशियो फाइव सिक्स थर्टी एंड फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव ओके अब इनको ये अलॉटमेंट कर दी अब क्या हुआ जी कितने शेयर्स बच गए टू थाउजेंड शेयर्स टू थाउजेंड शेयर्स को क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट भी कितने 25 तो 25 अलॉट कर दिए तो यहां शेयर कितने बच गए नील अगर नील बच गए तो ये कौन सी कैटेगरी आ गई कौन सा ग्रुप आ गया फुली रिजेक्टेड ग्रुप जो हमने पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस किया था तो ये टू थाउजेंड ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप हो गया थाउजेंड इनको अलॉटमेंट कितनी हो गई फुल रिजेक्शन इनको निराशा मिली तो रिजेक्शन अल्टीमेटली थर्टी टू थाउजेंड टू थाउजेंड और फुली रिजेक्टेड रिजेक्शन हो गए हमारे टोटल 1000 थर्टी टू थाउजेंड में से ये ओके अब हमें पैसा कैसे मिला चलो इसको अलग से कर देते हैं हमें पैसा मिला देखते हैं जी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के ऊपर किस रेट से है दुपीज टू अलॉटमेंट अलॉटमेंट ये है जी रुपीज थ्री और साथ में है टू हाँ मैं आपको इतना बता देता हूं सपोज कीजिए कि यहां तो अलॉटमेंट के साथ दे रखा है अगर मान लीजिए कि बोला है कि प्रीमियम लिया है लेकिन अलॉटमेंट के साथ भी नहीं दिया किसी के साथ कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन साइलेंट है उसके लिए तो आप हमेशा ये हमारा रूल बोलता है कि हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही आएगा अगर कुछ भी नहीं दिया है अगर दिया है फर्स्ट कॉल के साथ है सेकेंड कॉल तो उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा अगर कुछ भी नहीं दिया है तो अलॉटमेंट के साथ ही समझिएगा देन फर्स्ट कॉल rupees four second call, that is rupees वन तो देखते हैं जी two plus zero, four plus zero, one plus zero, so face value हमारे पास आ गया ten और दो रुपए हमारे पास आ गया application अपना premium का amount. अच्छा अब अगर आप दोबारा से question की तरफ को move करें तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने डिफॉल्ट किया कौन कौन है एक है मिस्टर कमल ठीक है जी, और दूसरा है अब कमल ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया हाँ जी दे दिया उसके बाद क्या उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं दिया उसके बाद उसने को फर्स्ट कॉल मांगा नहीं दिया आगे उससे मांगा ही नहीं बिमल ने क्या किया एप्लीकेशन का पैसा दे दिया अलॉटमेंट का पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया लेकिन सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया यहां इससे पूछा ही नहीं किया तो अब हमारे पास ये आ गई वर्किंग नोट नंबर वर्किंग नोट नंबर वन अब चलते हैं हम वर्किंग नोट नंबर टू की तरफ को तो लिखिए मेरे साथ टोटल वर्किंग नोट नंबर टू टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल एप्लीकेट्स ऑल एप्लीकेट कितने जी हमारे पास थर्टी टू थाउजेंड तो थर्टी टू थाउजेंड इंटू टू विच इज इक्वल टू सिक्सटी फोर थाउजेंड ओके अब उसमें से माइनस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कि जी मालिक हमने कितने लोगों को बनाया तो मालिक बनाया हमने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को तो उतना ही पैसा हमारा किस में चला जाएगा टू विच इज इक्वल टू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज राइट अच्छा ये फिफ्टी थाउजेंड हो गया ये सिक्सटी फोर फिफ्टी थाउजेंड अब हमारे पास इसमें से टू थाउजेंड के एट द रेट ऑफ़ रुपीज़ टू जो हमें पैसा मिला था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया सो अमाउंट रिटर्न जो आउटराइटली वापस कर दिया हमने वो किया हमने 2000 उपर, टू थाउजेंड शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ रुपीज़ टू ये था मेरा बैलेंस फोर्टीन थाउजेंड और विच इज इक्वल टू तो फोर थाउजेंड अब मेरा टेन थाउजेंड रुपीज क्या हो गया एक्सेस और एक्सेस अमाउंट को हमने क्या कर दिया एडजस्ट कर दिया क्यों एडजस्ट कर दिया क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो थ्री प्लस टू इज इक्वल टू तो फाइव फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इतना पैसा हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यू हो जाएगा और अभी तक तो, तो हमारे पास सिर्फ कितना एक्सेस आया है टेन थाउजेंड अगर टेन थाउजेंट है तो हम उसको क्या कर देते हैं एडजस्ट कर देते हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट टर्ड्स अलॉटमेंट विच इज इक्वल टू टेन थाउजेंड रुपीज ये मेरी वर्किंग नंबर टू सिक्सटी फोर थाउजेंड मुझे एप्लीकेशन पर मिला पचास हज़ार के मैंने मालिक बना दिए मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया फोर्टीन थाउजेंड दो हज़ार शेयर होल्डर जिनको हमने फुली रिजेक्ट कर दिया था सबसे पहले उनका क्लेम बनता था उनको हमने पैसा वापस कर दिया दस हजार मेरे पास एक्सेस आ गया उस एक्सेस पैसे को हम किसके अगेंस्ट अडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के अगेंस्ट उसको अडजस्ट कर देंगे सो वर्किंग नोट नंबर 3 अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना जी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट द रेट ऑफ रुपीज फाइव फाइव मींस थ्रो प्लस टू का अमाउंट भी है विच इज इक्वल टू वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ओके वर्किंग नंबर टू में हमारे पास क्या था जी एक्सेस अमाउंट था सो लेस एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड कितना था जी टेन थाउजेंड था माइनस टेन थाउजेंड रहेगा जी वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड ओके तो अब हमारे पास दो बातें रह गई कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट यह भी हमें देखना पड़ेगा ऐसा क्यों है क्योंकि अगर आप कमल को देखें तो कमल के केस में ये देखिए कमल के केस में कमल ने हमें एप्लीकेशन का पैसा दिया एप्लीकेशन का पैसा दिया लेकिन उसके बाद उसने रेस्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स वर नॉट पेड अगर नहीं पे किया है तो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पे कॉल्स इन एरियर कमल ने बदमाशी कर दी और आपको पता है कि बुरे आदमी को हम मैं लिख देता हूं यहाँ पे कमल कमल से हमें कितना पैसा जो है वो कॉल्स इन एरियर का है वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे और अमाउंट कितना हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ कैसे करेंगे लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कमल की हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा तो ये जो दो अमाउंट हैं एक अमाउंट ये और एक अमाउंट ये हमें पहले हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा फिर हिस्ट्री से हमें ये मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे हमने छोड़ दिया और फिर फिकर करेंगे वर्किंग नोट नंबर फोर वर्किंग नोट नंबर फोर क्या कह रहा है? चलिए जी हिस्ट्री हिस्ट्री शीट बनाते हैं किसकी कमल की क्या हुआ कैसे नहीं अब देखिए यहाँ पे अब नमेरिकल में जाएं तो कमल को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे अलॉटमेंट लिखा है ना वहाँ पे वर्ड नमेरिकल पढ़े अगर अलॉटेड तो इसका मतलब अलॉटेड शेयर्स तो अलॉटेड शेयर्स कितने हुए जी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड जो हमें दे रखे हैं तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि भाई उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा सो so, अप्लाइड शेयर्स इज इक्वल टू फार्मूला हमने पहले भी आपको बताया था रेशियो हमने कैलकुलेट करिए और जो चाहिए होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइव ये आ गया मेरा टू एट एट जीरो शेयर ठीक है जी अच्छा इसमें हम इसको ए बोल देते हैं फिर बी क्योंकि हिस्ट्री में हमें इतना पता चल पड़ा तो अब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम कमल तो क्योंकि उसने अप्लाई इतने शेयर्स के लिए किया था एट द रेट ऑफ रुपीज टू विच इज इक्वल टू फाइव सेवन सिक्स जीरो माइनस लेस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल में कितना होगा क्योंकि वो मालिक कितने का बना टू थाउजेंड फोर हंड्रेड का सो टू थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड इंटू टू इज इक्वल टू फोर थाउजेंड एंड एट हंड्रेड तो जो एक्सेस अमाउंट उसने हमें पे किया किस पर्पस के लिए था कि जी अलॉटमेंट के ऊपर आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी है तो फॉर अलॉटमेंट विच इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी ओके तो सी क्या हो गया अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना था जी 2400 का वो मालिक था बनाया था फाइव साथ में तो ये हो गया मेरा 12000 थाउजेंड रुपीज एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड इज इक्वल टू तो माइनस नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी उसके बाद उसने पेमेंट नहीं करी बुरा इंसान बन गया और बुरे इंसान को हम क्या बोलते हैं कॉल्स इन एरियर जीरो फोर जीरो वन वन इलेवन थाउजेंड फोर्टी रुपीज क्योंकि इसने यहां पे क्या कर दिया था जी डिफॉल्ट इसलिए यह बुरा इंसान बन गया था ओके okay, तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमारे पास यहां से आ गया ये आ गया जी मेरा डबल वन जीरो फोर जीरो तो बाकी बैलेंस क्या हो गया जी अमाउंट सीप ऑन अलॉटमेंट को जीरो सिक्स नाइन थ्री जीरो वन क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्योंकि गलती होगी तो आगे हम फिर उसका भुगतना बुकत, पड़ेगा हमें तो वन लैख थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी रुपीज ये भी कंप्लीट हो गया जी चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब आ गया अभी हम बोल रहे हैं थे, आप पूछेंगे कि जी प्रीमियम का क्या होगा अरे कोई बात नहीं प्रीमियम के बारे में जब हम चिलेंटिस पास करेंगे उस टाइम आपको समझाएंगे कि क्या हुआ अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब हमारे पास वर्किंग नोट नंबर आ गया फाइव ओके okay. तो वर्किंग नोट नंबर फाइव क्या कह रहा है आपको टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल कितने का मालिक है जी दैट इज अच्छा अब क्या हुआ अब दोबारा अगर हम देखें तो वहां पे फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसा दिया उसने नहीं दिया अगर नहीं दिया तो कितना ड्यू था फोर रुपीज के हिसाब से फोर पीस है तो इसका मतलब है कि वो फिर दोबारा से बुरा इंसान है यहां पे भी, भी उसने बदमाशी कर दी कॉल्स इन एरियर कौन है जी ये कमल क्योंकि कमल की हिस्ट्री देख रहे हैं hmm. कितना जी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एट द रेट ऑफ रुपीज फोर विच इज इक्वल टू नाइन थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड ठीक है जी सो so, अमाउंट फर्स्ट कॉल जीरो जीरो फोर जीरो नाइन जीरो तो ये हमारे पास यहां तक ये वर्किंग आ गई अच्छा अब नेक्स्ट वर्किंग वो हम वर्किंग तब करेंगे साथ साथ में अब हम क्या करेंगे जनरल एंट्रीज भी पास करेंगे ओके सो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ धोटा लिमिटेड और अब प्रीमियम का कंसेप्ट भी हम यहीं पे साथ साथ में अब डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट जनरल एंट्री एज यूजुअल वी पास पैसा रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना था जी थर्टी टू थाउजेंड इंटू टू सिक्सटी फोर थाउजेंड अब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अब आप वर्किंग नंबर टू से देख सकते हैं और ये भी हमारा सिक्सटी फोर थाउजेंड नब आप बहुत होशियार बच्चे बन चुके हैं परफेक्शन आ रही है इसमें तो बीक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन थर्टी टू थाउजेंड शेयर रेट ऑफ रुपीज टू सेकेंड वन इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टेम्परे अकाउंट है कंसेप्ट आपका क्लियर है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से था जी सिक्सटी फोर थाउजेंड सबसे पहले तो हम क्या करेंगे मालिक बनाएंगे तो लो जी मालिक बना दिया शेयर कैपिटल अकाउंट कितने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से एट द रेट ऑफ रुपीज टू फिफ्टी थाउजेंड से दूसरा आपने रिजेक्शन भेजी वर्किंग नंबर टू आप वहां पर आराम से देख सकते हैं उसमें लिखा है हमने अमाउंट रिटर्न तो जब रिटर्न कर देते हैं तो बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस हो जाएगा इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया दैट इज रुपीज फोर थाउजेंड और साथ में कितना पैसा हमने एडजस्ट कर दिया वर्किंग नंबर टू में एग्जैक्ट फिगर हमने वहां पे कैलकुलेट करी है यही फायदा होता है आपकी वर्किंग का कि अब आपको रेडीमेड फिगर्स मिलने शुरू हो जाती हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज आल्सो टेन थाउजेंड रुपीज देखना जी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट फिफ्टी प्लस टेन सिक्सटी प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर थाउजेंड अच्छा अब आ जाइएगा आप थर्ड एंट्री यहाँ से अब हमारा प्रीमियम की तरफ को हमारा ध्यान जाएगा अब कितना पैसा हमारा ड्यू हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अब आप यहां ध्यान से सुनिए और पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि कैपिटल्स उसको मालिक तो बनाएंगे लेकिन जितनी शेयर की फेस वैल्यू होगी वही कैपिटल में जाएगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा वो हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लेके जाते हैं यहां तक बात क्लियर है जी ओके तो कितना ड्यू हो गया अगर आप देखें ड्यू वर्किंग नोट नंबर थ्री तो वहां पर हमने कैलकुलेशन करी है और वो है जी ट्वेल्व थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड मालिक बनाया कितने से थ्री रुपीज ना थ्री प्लस टू है तो टू थाउजेंड फाइव फाइव हंड्रेड शेयर हैं एट द रेट ऑफ बी थ्री है तो शेयर अलॉटमेंट वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है सॉरी वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर है सेवेंटी फाइव थाउजेंड अच्छा और दो रुपया एक्स्ट्रा तो उसके लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू टू इज इक्वल टू फिफ्टी थाउजेंड सो बींग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट तो जैसे मैंने कहा कि जो भी अब थोड़ा सा इंपैक्ट आना शुरू हुआ यहां पर तो क्या हुआ जी फेस वैल्यू और फेस वैल्यू से ज़्यादा आप नहीं ले सकते और फेस वैल्यू कितनी थी टेन रुपीज़ टू रुपीज अगर आप देखें तो मैंने आ, एक्स्ट्रा लिखे गए हैं ये देखिए टेन प्लस टू टेन जो है फेस वैल्यू है टू रुपीज जो है वो आपका प्रीमियम का अमाउंट है इन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते मालिक इसी से बनाएंगे एक्स्ट्रा अमाउंट जो है हमारा अलग अकाउंट में जाएगा आगे बढ़ें जी आप ओके एंट्री नंबर फोर अब हमें कितना पैसा मिला सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना था जी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अब अलॉटमेंट अकाउंट तो वैसे कितना है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लेकिन दस हजार से हमने क्या कर रखा है पहले क्रेडिट कर रखा है हमें अमाउंट मिलेगा वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड अब अगर आप वर्किंग नंबर थ्री पे जाए तो वहां पे अगर आप वर्किंग नंबर थ्री देखें ये देखिए वर्किंग नंबर थ्री वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एक्सेस अमाउंट हमने एडजस्ट कर दिया वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड कॉल्स इन एरियर और ये हमें पैसा रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जी वन लैक थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी और बदमाशी कर दी उसने इसलिए वो पैसा हमें कमल से नहीं मिला इसलिए हमने उसको कॉल्स इन एरियर बोल दिया अकाउंट डेबिट कितने से था जी डबल वन जीरो फोर जीरो लो जी हमारी एंट्री ये भी कंप्लीट हो गई अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया जी ड्यू हो गया पैसा किसने से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर होल्डर्स हैं एट द रेट ऑफ रुपीज़ फोर है तो ये बन गया जी मेरा वन लाख रुपीज़ ये भी बन गया मेरा वन लाख रुपीज़ ठीक है जी अच्छा उसके बाद जी ये सिक्स अगर मैं वर्किंग नोट वर्किंग नोट नंबर फाइव तक हमने कैलकुलेशन करी थी अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की जरूरत नहीं अब यहीं पे कर लेंगे हम तो कितना पैसा हमें रिसीव हुआ तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट एक्सेस पैसा तो कोई नहीं था इसलिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या सारा पैसा हमें मिल गया ये था जी टेम्प्रेरी अकाउंट वन लाख रुपीज से और किसने डिफॉल्ट किया है तो जो जिस जिसने भी डिफॉल्ट किया है अब दोबारा से हम क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं एक तो कमल ने किया है कितने शेयर्स के लिए सिर्फ कमल ने किया है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड तो टू थाउजेंड फोर हंड्रेड तो ये मेरे पास आ गए कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर कितने से टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एट द रेट ऑफ पीस फोर विच इज इक्वल टू नाइन थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड बाकी पैसा मुझे मिल गया इट मीनस नाइनटी थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड ये पैसा भी मुझे मिल गया अच्छा अब आपके पास अब यहां से आपका प्रीमियम का थोड़ा थोड़ा यूज होना शुरू हो जाएगा अगर आप न्यूमेरिकल देखें तो यहां पे उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया फॉरफिट कर लिया गया तो जब फॉरफिट किया जाता है अब यहां पे प्रीमियम का थोड़ा यूज जैसे मैंने कहा स्टार्ट हो गया चलिए देखते हैं क्या यूज हुआ जब हम फॉरफिट करते हैं तो उसको ऑनरशिप से खत्म करते हैं जब ऑनरशिप से खत्म करते हैं तो क्या करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अब आप मुझे बताइए कि उसको पैसा कहां तक मांगा था उसका पैसा जो था वो फर्स्ट कॉल तक मांगा था सेकंड कॉल का पैसा हमने नहीं मांगा था अगर नहीं मांगा था डिमांड नहीं किया था तो अब हो गया टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू नाइन इज इक्वल टू ट्वेंटी वन थाउजेंड टेन सिक्स हंड्रेड अच्छा आप, आप बोलेंगे कि जी नाइन से क्यों कर रहे हो आप इलेवन से करिएगा क्योंकि ट्वेल्व रुपीज माइनस वन फाइनल कॉल उस पर तो पैसा नहीं लिया क्योंकि टेन प्लस टू दो रुपये प्रीमियम का था टेन रुपीज ये था ट्वेल्व रुपीज लेकिन फाइनल कॉल जो थी वो उससे डिमांड ही नहीं, नहीं की जब डिमांड नहीं की तो हम नाइन रुपीज प्लस टू तो अब आप, आप बोलेंगे इलेवन रुपीज अब मैं आपको यहाँ से प्रीमियम का क्या होगा क्या प्रीमियम का अमाउंट भी फॉरफिट नहीं होगा अगर प्रीमियम का अमाउंट अगर आपका फॉरफिट होगा तो आप इसको नाइन प्लस टू इलेवन क्यों नहीं लेते बस यहीं से आपका कंसेप्ट स्टार्ट हो गया तो मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि प्रीमियम का अमाउंट जो है वो फॉरफिट नहीं होता अब फॉरफिट क्यों नहीं होता और अगर फॉरफिट नहीं होता और पेमेंट अब आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या उसने पेमेंट करी है चलिए देखते हैं जी अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट का पैसा था थ्री रुपीज़ प्लस टू रुपीज़ इज इक्वल टू तो फाइव रुपीज़ फाइव रुपीज़ में उसने क्या अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं दिया ओके अगर नहीं दिया तो इसका इंपैक्ट क्या होगा देखिए मैंने कैपिटल का अमाउंट कैपिटल तो रेज कर ली जब कैपिटल रेज कर ली तो मेरी बैलेंस शीट में क्या होगा लाइबिलिटी अराइज हुई और जब मैंने लाइबिलिटी अराइज हुई तो मेरी बैलेंस शीट तो मैच नहीं करेगी अगर मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी तो उसको मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उतने अमाउंट से उसको डेबिट करना पड़ेगा अगर मेरे को डेबिट करना पड़ेगा तो इसलिए मुझे मैं इसका नोट बताऊंगा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू टू विच इज इक्वल टू फोर एंड एट हंड्रेड अब मेरी बैलेंस शीट मैच करी क्योंकि मैंने पैसा तो मांगा था फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसा मांग लिया अलॉटमेंट में मांग लिया फर्स्ट कॉल के ऊपर मांग लिया लेकिन प्रीमियम का अमाउंट क्या उसने पे किया नहीं किया जब नहीं किया तो जो बैलेंस शीट में मेरी लाइविलिटी एयराइज हुई वो उसको मुझे कंपनसेट करने के लिए उस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा तो यहां पे मैं आपको फिर नोट लिखवाऊंगा अब थोड़ा सा इंतजार करिएगा तो ये हो गया थाउजेंड एंड एट हंड्रेड टू क्योंकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या है आपका टेम्पररी अकाउंट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा क्लोज करना पड़ेगा तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट अब मुझे कहां से मिलेगा देखिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट अब बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है जैसे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट मैंने फॉरफिट कितना किया अब आप देख सकते हैं वहां पे वर्किंग वर्किंग में वर्किंग अगर आप देखें तो वहाँ हमने कैलकुलेशन करके रखी है जब हम कमल की हिस्ट्री की तरफ गए तो उसने अप्लाई किया था 2,880 शेयर्स जिसके ऊपर मुझे मिले थे 5760 और अगर इसका टोटल करूं और इसका बैलेंस करूं तो बाकी जो है मेरा कॉल्स इन एरियर हो गया और वो हो गया मेरा 20,640 अच्छा अब आप, आप बोलेंगे कि ये कहां से आया देखिए अभी अभी चेक कर लेते हैं आप अगर वर्किंग नोट नंबर थ्री में देखें तो कमल से कॉल्स इन एरियर है डबल वन जीरो फोर जीरो उसके बाद अगर आप वर्किंग नंबर कॉल्स इन एरियर वर्किंग नंबर फाइव देखें तो वहां पे है नाइन थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो सिक्स जीरो टू जीरो सिक्स फोर जीरो हो गया जी क्रॉस वेरीफाई तो यहां से भी हमारे पास क्रॉस वेरिफिकेशन से यह अमाउंट आ गया तो यहां से अभी क्या नोट आता है तो नोट मैं यहां पे आपके लिए नोट वेरी इंपॉर्टेंट इफ प्रीमियम मनी Has not been paid by defaulting applicant, then security premium reserve account is. डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर क्यों करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट में हमने उसको वो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है अगर लाइबिलिटी क्रिएट हुई है तो बैलेंस शीट मेरी मैच नहीं करेगी अगर मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी तो फिर मुझे उसको क्या करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि जब मांगा था तो उसको क्रेडिट किया था तो जब नहीं मिला तो डेबिट करना पड़ेगा इसलिए मेरी बैलेंस शीट में क्या हो जाएगी टैली कर जाएगी मुझे लगता है कि लॉजिक इज क्लियर कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको आप बिल्कुल की नोट्स में ले लीजिएगा आगे बढ़ते हैं यहीं पे पास कर देते हैं एंट्री नंबर हो जी एट शेयर ड्यू कर देते हैं पहले फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने के लिए जी क्योंकि टू थाउजेंड फोर हंड्रेड से तो हमने पैसा मांगा ही नहीं उनसे तो यहां अलग से बता देता हूं आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड फोर हंड्रेड कमल से नहीं मांगा ही नहीं हमने ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड हो गया और एट द रेट ऑफ रुपीज वन है फाइनल कॉल तो ये कितना हो गया जी ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड रुपीज शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड एंट्री नंबर एट अब हमारे पास एंट्री नंबर नाइन क्या हमें पैसा आ गया देखते हैं जी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल फाइनल कॉल अकाउंट कितना था जी डबल टू सिक्स डबल जीरो किसने नहीं दिया बिमल ने पैसा नहीं दिया नहीं दिया बिमल ने फाइनल पेमेंट नहीं करी है अब आप यहां देख सकते हैं बिमल ने यह वाली पेमेंट कर दी ये कर दी ये कर दी लेकिन ये वाली पेमेंट नहीं करी है एक रुपया इससे है टू तो शेयर फाइनल अकाउंट डबल टू सिक्स डबल जीरो तो बिमल भी एक बुरा इंसान बन गया तो कॉल्स इन एरियर किसका जी बिमल जो नहीं आया डिफॉल्ट कर दिया तो यह भी अकाउंट डेबिट हो गया इससे 1200 हंड्रेड इंटू वन इज इक्वल टू ट्वेल्व और बैंक अकाउंट तो डबल टू सिक्स ज़ीरो बाकी के ऊपर हमारा पेमेंट आ गया तो दैट इज़ ट्वेंटी वन थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड रुपीज़ ये एंट्री भी हमारी क्लियर होगी अच्छा अब क्या हुआ फिर अब फॉरफिट कर लिया गया इसके बिमल के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया ओके अब फिर प्रीमियम आ जाएगा चलिए देखते हैं क्या हुआ शेयर कैपिटल अकाउंट इसको भी आप जरा ध्यान से देखिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से जी ट्रेड इंटू टेन क्यों करेंगे टेन क्यों भाई बिमल से तो लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पैसा मांगा है जितने का डिमांड किया है जब डिमांड किया है तो वो, वो हमारे पास आ गया तो उससे उसका मालिकाना हट जो है वो हटा दिया कितना हो गया जी ट्वेल्व थाउजेंड अब आप बोलेंगे कि क्या शेयर फॉर फीचर अकाउंट भी डेबिट होगा यहां पे? अरे भाई शेयर फॉर फीचर अकाउंट जैसा कि सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा ये यह देखिए यहां ये यह, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे भी डेबिट होगा क्या फॉर फ्यूचर के टाइम में देखिए अब यहाँ पे डेबिट नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि आप दोबारा से आ जाइए बैलेंस शीट में जब मैंने पैसा मांगा था तो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी अब मुझे अब आप देखिए कि बिमल ने पैसा विमल ने पैसा मुझे प्रीमियम का दे रखा है बिल्कुल दे रखा है जब मुझे पैसा मिल गया तो वो डेबिट हो गया तो मेरी बैलेंस शीट मैच करगी जब बैलेंस शीट मैच करेगी तो मुझे डेबिट करने की जरूरत नहीं है अगर नहीं है तो इसका मैं नोट फिर आपको बता दूंगा लेकिन इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया अब उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और साथ में कॉल्स इन एरियर अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे जी क्लोज करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना है ट्वेल्व हंड्रेड है तो शेयर फॉर फ्यूचर जितना पैसा आज तक हमें रिसीव हुआ सिर्फ उसने क्या किया हमें दो रुपए हमें एप्लीकेशन पे दिए तीन अलॉटमेंट पे दे दिए चार रुपए वहां पे दे दिए तो नाइन रुपीज हो गए तो नाइन इंटू ट्वेल्व हंड्रेड विच इज इक्वल टू तो टेन थाउजेंड एंड एट हंड्रेड रुपीज तो अब यहां पे दोबारा से नोट आ गया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट और यहां पे मैं इसके साथ ही लिख देता हूं इंपॉर्टेंट नोट क्या नोट आ गया इफ प्रीमियम मनी हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट देन इट इज नॉट डेबिटेड टू डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर और स्टूडेंट यहाँ पे उल्टा करता है इसलिए केयरफुल रहिएगा अगेन द इम्पॉर्टेंट नोट इसलिए इस क्वेश्चन में हमने दोनों कंसेप्ट अच्छा एक, आ, एक बात तो ये है अच्छा उसके बाद दूसरा इफ जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था इफ प्रीमियम मनी हैज बीन रिसीव्ड देन दिस अमाउंट इज नेवर फॉरफिटेड इज नेवर फॉरफिट तभी तो दो रुपए हमारे पास यहां प्रीमियम है लेकिन प्रीमियम का अमाउंट को हमने नहीं लिया इसलिए क्योंकि उसको हम फॉरफिट नहीं कर सकते अब देखिए रीजन क्या है इसके पीछे फॉरफिट क्यों नहीं कर सकते हमारा एक्ट कहता है जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा आता है उसका यूज सेक्शन फिफ्टी टू में दे रखा है कि क्या होगा उसी तरह से अगर हमने उसको फॉरफिट कर लिया तो अल्टीमेटली फॉरफिट का पैसा कहां चला जाता है कैपिटल रिजर्व में और अब कैपिटल रिजर्व के लिए जो प्रोविजंस हैं वो अलग हैं उस पैसे को हम कहाँ खर्च कर सकते हैं वो भी किसने दिया है कंपनीज एक्ट में अरे भाई जब कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलग अलग हैं और उनका यूज़ भी अलग अलग है तो सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व को हम इकट्ठा नहीं कर सकते इसलिए इसको हम फॉरफिट भी नहीं करते यहाँ तक बात क्लियर गई जी इसलिए वहाँ उसका सेक्शन 52 में लिखा हुआ है कि फिर इसका प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम का ये अब आपने देखना है कि उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है पिछले लेक्चर में फिर दोबारा से आप उसको रिवाइज uh, कर सकते हैं यहाँ तक बात क्लियर है जी इसलिए मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं किया ओके चलिए जी फटाफट से आप क्या करते हैं रीइू करते हैं तो रीइू कितने किए हमने तो बैंक अकाउंट डेबिट यहीं लिख देता हूँ एक तो टू थाउजेंड फोर हंड्रेड कमल के थे और ट्वेल्व हंड्रेड हमारे बेमल के थे और ये हो गए हमारे पास थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट द रेट ऑफ एट रुपीज़ से किए हमने तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करें तो मुझे लगता है ये ज़ीरो ज़ीरो टू एट एट थाउजेंड एट हंड्रेड और कुछ हमें क्या हो गया जी लॉस हो गया और वो कहाँ से लेंगे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से लेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितने का लॉस है जी टू रुपीज का है इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट थ्री सिक्स डबल जीरो इन टू टेन विच इज इक्वल टू थर्टी सिक्स थाउजेंड और अगर इस दोनों का टोटल देखें तो ये भी थर्टी सिक्स थाउजेंड इशू हो गया और लास्ट एंट्री हमारी किस चीज की है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो कितना कितना पैसा आज फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी प्लस टेन थाउजेंड एट हंड्रेड हमारा प्रॉफिट में आया उसमें से हमने सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड का यूज कर लिया तो बाकी पैसा हमारा नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी रुपीज़ हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया बस आपने यहाँ पे आप प्रीमियम की ये जो दो नोट्स मैंने आपको बताए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दोनों को मैंने इस क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करी है बस कंसेप्ट पे जाइए क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे कंप्लीट uh, है